ये हमारे पास किप्स में पास्ट पेपर हैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर के, ठीक है। फर्स्ट एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन शो कम्बशन ऑफ अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बी वाला ऑप्शन देख ले, सैचुरेटेड अल्कीन है फिर इसकी कम्बशन हो रही है, ठीक है। और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, ऑक्सीडेशन में लास्ट प्रोडक्ट कार्बोजिलिक एसिड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ कंबशन ऑफ ब्यूटीन, कंबशन ऑफ ब्यूटीन, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड H2O तो लास्ट प्रोडक्ट बन सकते हैं, अगर आप ऑक्सीजन कम हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड, और अगर बहुत ज़्यादा कम हो तो कार्बन सूत भी प्रोड्यूस हो सकता है। और रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ अल्कीन विद हेलोजन, ये फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन टूवर्ड अल्कीन इज, तो फ्लोरिन मोर देन क्लोरिन मोर देन ब्रोमीन मोर देन आयोडीन। विच कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय द एलिमिनेशन ऑफ ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन है हमारे पास, ठीक है। तो एलिमिनेशन करोगे ब्रोमीन चला जाएगा, ब्रोमीन जाएगा तो एक डबल बॉन्ड बनेगा और हो गया तो वही तीन कार्बन, तो प्रोपीन हो जाएगा। सी ऑप्शन सिंपल। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड आयल इज डन बाय फाइनली डिवाइडेड निकल, ताकि सरफेस एरिया ज्यादा हो कैटलिस्ट का। इथीन ऑन पॉलीमराइजेशन गिव द प्रोडक्ट पॉलीइथीन, दिस रिएक्शन बी कॉल्ड हैज, ये रिएक्शन हमारे पास एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। इन रिएक्शन ऑफ इथीन विद ब्रोमीन एंड इंटरमीडिएट, वो आयन बनता है इंटरमीडिएट, ए वाला ऑप्शन हमारे पास, ये बुक में रिएक्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। वट इज द प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्रोपीन रिएक्ट विद HBr हमारे पास। अब देखो, प्रोपीन रिएक्ट विद HBr, प्रोपीन है हमारे पास, ठीक है। HBr हाइड्रोजन आएगा, तो हाइड्रोजन हमारे पास, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है उसके साथ अटैच होगा Br, उसके साथ अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, Br इधर अटैच होगा, ये बांध गया। तो देखो ना, CH3CH और Br, CBrH तो नहीं है क्योंकि इसके बांड पूरे हैं ना, एक दो, अच्छा ठीक है, CHBr, चार बांड पूरे करने, CH और ये Br इधर लगे और उसके साथ CH3, तो ये डी वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इलेवंथ है हमारे पास, एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू एन, ये गवर्न बाय मार्कोनिकोफ रूल हमारे पास करेक्ट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन विद हेलोजन विद हाइड्रोजन हेलाइड इज, तो हमारे पास HI मोर रिएक्टिव देन HBr देन HCl। ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन इज शोन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर ब्रोमिनेशन, जो है ना ये रिएक्शन हमारे पास डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड के लिए यूज होता है। ट्रीटमेंट ऑफ, क्योंकि फिर ये रंग इसका गायब हो जाता है, ठीक है, अगर डबल बॉन्ड मौजूद हो। ट्रीटमेंट ऑफ इथीन विद कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड फॉलो बाय द रिएक्शन विद बॉइलिंग वाटर यील्ड, इसका प्रोडक्ट हमारे पास अल्कोहल है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड एच और ओ एच ऐड होगा, अल्कीन में डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, जब ओ एच ऐड होगा तो अल्कोहल ही बनेगा, ठीक है। और इथीन है तो इथेनॉल बनेगा, प्रोपीन होगा तो प्रोपेनॉल बनेगा। अल्कीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमारे पास। एसीटोन कैन बी ऑब्टेन बाई ओजोनोलाइसिस, एसीटोन जो है ना हमारे पास किससे आएगा, तो आइसोब्यूटीन देख लो, ठीक है। अब ये कार्बन जो है ना, हम इसके साथ दो अटैच है ना कार्बन, तो ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी से हमारे पास कीटोन आते हैं, प्राइमरी से अल्डिहाइड आएगा, ठीक है। बाकी इसमें कोई हमारे पास सेकेंडरी नहीं है, बाकी सारे प्राइमरी हैं, तो यही हमारे पास सेकेंडरी वाला बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हेन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम बेंजीन ग्रुप लेफ्ट इज कॉल्ड, वो ग्रुप हमारे पास फिनाइल ग्रुप कहलाता है। रेशियो ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा ये आप बिल्कुल ही रट लें, 12 सिग्मा बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, ठीक है, तो 4:1, ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो, सॉरी सिग्मा बॉन्ड मैंने 6 कार्बन के दरमियान है ना, और 6 उनके हाइड्रोजन के साथ, तो 12:3, तो रॉन्ग तो हम नहीं हो रहे, द रेशियो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन, अच्छा इन बेंजीन की बात कर रहे हैं, C6H6 है, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 और 6 12 सिग्मा बॉन्ड हो गए,
एक दो तीन, तीन पाई हो गए, तो 4:1 ही हमारे पास रेशियो ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन। इन लोगों ने की में आई थिंक राम लिखे हुए रेशियो ऑफ सिग्मा, यस 1:4:1 ही करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। रेशियो ऑफ पाई टू सिग्मा हो तो वो 1:4 हो जाएगा, सिग्मा टू पाई हो तो वो 4:1 हो जाएगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन का पूछ रहे तो एक सिग्मा बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है ना, एक पाई में दो इलेक्ट्रॉन है तो तुम उसको 6 लिख, तो वो तो फिर अभी इसमें यहाँ पे तो बॉन्ड का सिर्फ पूछा हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास 4:1 करेक्ट है, इन लोगों ने की में रॉन्ग लिखा हुआ है। 19 है हमारे पास द इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप इन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड नाइट्रेशन। द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन टेक प्लेस व्हेन इट इज हीटेड विद द 1:1 मिक्सचर ऑफ क्या, H2SO4 और HNO3 हमारे पास इसमें यूज होता है, ठीक है। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ H ग्रुप बाय NO2, ये नाइट्रेशन हमारे पास कहलाता है। Which one of the following is a powerful electrophile used to attack electron of benzene ring? तो Cl plus positive charge है। The reaction of benzene with bromine in the presence of FeBr3 follow the mechanism of electrophilic substitution reaction हमारे पास, ठीक है। For halogenation of benzene which reagent is used? AlCl3 chlorination and bromination mostly uses. तो इट मोस्टली यूजेस यूवी लाइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैज इलेक्ट्रोफाइल इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन विद ब्रोमीन, तो कौन हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर यूज होते हैं? ब्रोमीन प्लस पॉजिटिव वाले यूज होते हैं, ठीक है। ब्रोमीन है तो बी आर प्लस, और बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 गिव एसिटोफिनोन व्हेन रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड। एसिटोफिनोन है तो एसिटाइल क्लोराइड। द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्स, ये एसाइल ग्रुप है और इसके इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एसाइलेशन कहते हैं, ठीक है। अल्काइल ग्रुप होता तो अल्काइलेशन कहलाता। द इंट्रोडक्शन ऑफ एन अल्काइल ग्रुप इन बेंजीन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अल्काइल ग्रुप ला रहे हैं हम इसमें, ठीक है। RCl क्रूरेक्ट है हमारे पास, एसाइल होता तो RC डबल बॉन्ड हो CL। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म वन प्रोपाइल क्लोराइड रिएक्ट विद बेंजीन हमारे पास। इंटरमीडिएट तो हाइड्रोजन भी अटैच होते हैं, वो ग्रुप भी अटैच होता है, ठीक है। ये डी वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। प्रोपानाइल क्लोराइड है, ठीक है। तो सी ये प्रोपानाइल ग्रुप होगा। वन बेंजीन when benzene react with acetyl chloride in the presence of AlCl, acetophenone is formed, the electrophile in this reaction, इसमें हमारे पास CH3C+O ये अटैच होता है, ठीक है। एसाइल ग्रुप अटैच होता है तो यही अल्काइल होगा। और इन्फ्रेडलक्राफ्ट क्लोरिनेशन यानी अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन, आयरन 3 क्लोराइड एक्ट एज अ कैटलिस्ट व्हिच इज द इनिशियल रिएक्शन इन द जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। डी ऑप्शन करेक्ट है, Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। विच आर द फॉलोइंग स्पीशी आर 3-5 मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप या मेटा 3-5 या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप इज इंट्रोड्यूस इन टू द बेंजीन रिंग, कौन सा इनमें से हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है? CHO देखो ना, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O से कम है, ये डीएक्टिवेटिंग होगा और मेटा भी होगा। फिर 3BS कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O से कम है तो ये भी मेटा होगा, तो 2N3। विच डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन शो मैक्सिमम रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास, जिसके साथ एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होगा, जैसे CH3 होगा। ये देखो मिथाइल CH3 लगा हुआ, ये एक्टिवेटिंग है, ये इसको एक्टिवेट करेगा, इसको मोर रिएक्टिव बनाएगा, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट स्लोअर देन बेंजीन, तो जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, नाइट्रो इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। लास्ट वन है, विच कैटलिस्ट इज यूज इन ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन रिंग, हमारे पास V2O5 यूज होता है ऑक्सीडेशन में। ओके, और यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है।